नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं करियर बाबा जी, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस ट्रेनिंग के बारे में। थोड़ी सी वीडियो में आपको ब्लैकनेस दिख रही होगी, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, क्योंकि मेरे को ये जो 2020 का कैलेंडर था वो नहीं मिल पाया, जो कि PDF में अवेलेबल था और बहुत अच्छा कैलेंडर था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ आपको साफ साफ दिख रही थी, लेकिन 2019 का कैलेंडर है और इसमें एडवांस ट्रेनिंग सारी सेम ही होती है, चाहे 2019 में हो, चाहे 2020 में हो, चाहे 2017 में हो। आगे शायद इसमें और एडिशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक यही जो जितने एडवांस कोर्सेज हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 15 कोर्सेज हैं ये, और यही होते हैं हर साल। देखिए, सबसे पहले आपको बात बता देता हूँ मैं, एक यहाँ पे बात जो बताना चाहता था मैं वो ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब चीज़ें बताऊंगा। ये आपको भाई कैलेंडर मिल सकता है, कैसे मिल सकता है भाई, जब आप बेसिक ट्रेनिंग कर लोगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। अभी परेशान मत हो, अभी सिर्फ देख लो कि ये सब ट्रेनिंग होती है। सबसे पहला जो कोर्स है वो है डिजास्टर प्रिपेयरनेस कोर्स, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बेसिक कोर्स है, जो कि आपका 5 दिन का कोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है और अलग अलग कोर्सेज भी हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको ये वाला कैलेंडर भी दिखा सकता था, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं आई, इसलिए मैं आपको ये वाला कैलेंडर दिखा रहा हूं। और यहां पे आप सबसे पहला ये कोर्स, इसके बाद नंबर ऑफ डेज लिखे हुए हैं, यानी कि कितने दिन का होता है ये वाला कोर्स। तो भाई साहब, ये 5 दिन का होता है कोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, सारे कोर्सों के बारे में बताऊंगा कि इस कोर्स कौन कौन से कोर्स है इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले आप नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या है इसके बारे में जान लीजिए। नंबर ऑफ डेज मतलब 5 दिन का कोर्स है भाई। ठीक है, इसके बाद आपको एनरोल वगैरह कैसे करना है वो सब आखिरी में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये कोर्स क्या है। 5 दिन का कोर्स है। नंबर ऑफ कोर्सेस का मतलब क्या है, यानी कि कितने बार कोर्स किया जाता है, एक साल में कितने बार ये वाला कोर्स कंडक्ट किया जाता है, तो ये 4 बार किया जाता है। और नंबर ऑफ सीट कितनी होती है, यानी कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने वॉलंटियर, तो भाई 50 वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यानी कि पूरे मिला के कितनी सीट हुई, 50 × 4 यानी कि 200, यानी कि 200 सीट्स हो गई। ठीक है, मेरी मैथ्स वैसे ही बहुत कमज़ोर है भाई। तो यहाँ पे जनवरी में इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, आप नीचे तक देखिए, जनवरी में कोई ट्रेनिंग नहीं होती किसी भी उसकी। ठीक है, ना कि सिर्फ डिजास्टर वाले की नहीं, कोई किसी की भी ट्रेनिंग नहीं होती जनवरी में। फरवरी में है इसकी एक ट्रेनिंग, मार्च में नहीं है, फिर अप्रैल में है, फिर मई में नहीं है, फिर जून में है, फिर जुलाई अगस्त में नहीं है, फिर सितंबर में है, फिर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जो है वो खाली है, यानी वहाँ पे कोई कोर्स नहीं होता है इसका, डिजास्टर का। और कोर्सेज तो होते होंगे। ठीक है, दूसरा है फ्लड डिजास्टर प्रिपेयरनेस, यानी कि जो फ्लड आते हैं तो उसके लिए, उसका डिजास्टर जो होता है, यानी कि उसकी जो आपदा है उससे निपटने का एक कोर्स, वो भी बेसिक बेसिक कोर्स है, तो उसके 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और एक ही बार होता है। उसके बाद अर्थक्वेक का एक कोर्स है। इसके बाद जो चौथा कोर्स है वो है वार्डन सर्विस। ठीक है, वार्डन सर्विस किसके लिए होती है, जो वार्डन्स होते हैं। कौन होते हैं वार्डन, जो एक रैंक वाली वीडियो बनाई है, जाके देख लेना। HFP के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब वार्डन हैं। सबसे पहले रैंक आती है सेक्टर वार्डन, उसके ऊपर क्या कहते हैं डिप्टी सेक्टर वार्डन, सेक्टर वार्डन। ठीक है, ये सब जो रैंक आती है, पोस्ट वार्डन वगैरह, डिप्टी पोस्ट वार्डन, पोस्ट वार्डन, तो ये सारी रैंक्स जो है ये वार्डन में आती है, और आपको ये वार्डन वाला कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग सर्विस, यानी कि कॉप्स का कोर्स। इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये वाला कोर्स किया हुआ है और मैं उनसे पूछना ही भूल गया कि भाई क्या होता है इस कोर्स के अंदर, लेकिन बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा कोर्स होता है ये, और देखते हैं इसके बारे में भी कभी आपको वीडियो बना के समझाऊंगा इसके बारे में। छठा जो है वो है सेल्फ डिफेंस का कोर्स, और ये सिर्फ महिलाएं यानी कि लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके बाद है NBC का डिजास्टर प्रिपेयरनेस का कोर्स। ठीक है, ये भी आपका एक कोर्स होता है। इसके बाद है सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू का ये भी कोर्स है, ये 15 दिन का कोर्स होता है आपका। इसके बाद एक और कोर्स है जिसका नाम है फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग के बारे में भी आप जानते होंगे, जो आग वगैरह लग जाती है कहीं पर। इसके बाद है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, सॉरी कम्युनिकेशन का कोर्स, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर यानी कि PTI, जो आपको बेसिक ट्रेनिंग सिखाएगा ना, मतलब बेसिक ट्रेनिंग में आप जाओगे तो आपको जो सिखाएगा ना वो होता है PTI। अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको इसमें से पहले 2 या 3 कोर्स, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ये भी श्योर करके आपको बता दूंगा, 2 या 3 कोर्स पहले करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप PTI का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये 21 दिन का कोर्स होता है और साल में एक ही बार होता है। इसके बाद बेसिक पाइप बैंड और बेसिक ब्रास बैंड, भाई मतलब ये बेस्ट बेस्ट कोर्स जिसे कह सकते हैं ना, वो है ये। 6 महीने का कोर्स है, एक 10 महीने का कोर्स है, और इसके अंदर आपको बैंड बजाना सिखाया जाता है। आप अगर ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो अपने क्लासों में बैंड बजाते थे पेन से या फिर पेंसिल से या फिर ढोलक बजाते थे, तो भाई आपका बहुत सारा इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं। ये कोई वो छोटी बात नहीं कि अरे मैं बैंड बजाऊंगा क्या, मैं ये वो बजाऊंगा, मैं डमरू बजाऊंगा, ड्रम बजाऊंगा। तो भाई ये सब
ये सब छोटी सोच है, जिसकी छोटी सोच होती है ना वो ये सब चीज़ें सोचता है। अगर आपका सच में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड का कोर्स है, उसके बाद नर्सिंग होम नर्सिंग का कोर्स है, तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि होम नर्सिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एड का भी कोर्स मैंने सिखा दिया, अब बताता हूँ आपको मैं कि यहाँ पे आप एको एनरोल किस तरह से करना है। सर देख लीजिए, आप ये पूरा कोर्स देख लीजिए, इसके बाद आपको एनरोल किस तरह से करना है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लिया आपने अच्छे से, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कोर्स रिसीव्ड एट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, यानी कि क्या क्राइटेरिया है, क्या किस बेसिस पे आपको एनरोल किया जाएगा, किस बेसिस पे आपको भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसने एनरोल किया भाई सबको भेजो जाओ, चलो भेज दो, ऐसा नहीं होता भाई। उसमें सिलेक्शन किया जाता है, पहला है कि जिन्होंने पहले दे दिया उसको एनरोल कर लिया जाएगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रायोरिटी दी जाएगी किसको, जो लेस नंबर ऑफ कोर्सेज जिन्होंने अटेंड करे हुए हैं ड्यूरिंग लास्ट वन ईयर, यानी कि पिछले एक साल के अंदर उसने कोर्सेज बहुत कम हुए, मान लो एक कोर्स भी नहीं किया या एक कोर्स किया है, तो फिर उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई आप जो 50 कोर्स करके बैठा है आप वो बंदे को नहीं भेजेंगे, आप उनको भेजेंगे जो एक भी कोर्स नहीं करे हैं जिन्होंने। उसके बाद सीनियोरिटी इसमें देखी जाती है, इसमें पार्टिसिपेशन या एक्टिविटीज़ देखा जाता है, जैसे मस्टिंग में, निष्काम सेवा में, फिर अल्फाबेटिकली भी देखा जाता है कि जिसका नाम ए नाम से आता है उसको पहले भेजा जाता है, मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, आ नाम को हटा दिया जाता है। इसमें 25% रिजर्व सीटें भी उनको भेजनी होती है कि भैया 25 रिजर्वेशन के नाम भेजे, अगर कोई बाई चांस नहीं आ पाया कोई हमारा वॉलंटियर तो आप उनको कॉल करके बुला लेना, आ जाएंगे। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कि 15 दिन पहले आपको ये को एप्लीकेशन दे देनी होती है, लेकिन आपको 15 दिन से पहले भी देनी होती है। इसका रीज़न क्या है, 15 दिन से बहुत पहले आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि दूसरा जो पॉइंट है उसमें आसानी से आप समझ सकते हैं, उसमें क्या लिखा होगा कि आपको 15 दिन से पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसकी लैंग्वेज किस तरह से है। लिखा ICT कंसर्न टू कंपाइल द एप्लीकेशंस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आएगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जो बाद में आएगा उसको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, सीटें बची तो ले लिया जाएगा वरना नहीं लिया जाएगा। तो आपको बहुत जल्दी जाना है, जैसे कि मान लो आप कोर्स करना चाहते हो फर्स्ट एड का जो कि स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख को, तो आप 1 तारीख को जाकर जमा कर दो कि भैया मेरे को ये कोर्स करना है और ये चीज़ें बात है ऐसे। फिर कॉल आउट कौन बनाता है, आपका CTI जो होती है, आपकी JSO यानी कि जूनियर स्टाफ ऑफिसर, वो बनाती है, अभी एक फीमेल है, महिला है और अच्छे से संभालनी है वो सिविल डिफेंस। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है कि आपको एप्लीकेशन जो है वो सिविल डिफेंस ऑफिस में जमा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा कि कौन कौन सिलेक्ट हो गया है, तो उसको वहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे आखिरी पॉइंट जो लिखा हुआ है वो जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जो इस बार कोर्स नहीं कर पाए, तो उनको क्या करना है, वो उनको अगले कोर्स में जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। एक बार नाम नहीं आया तो क्या हो गया, दूसरी बार तो जा ही सकते हो। कभी कोई कोर्स जो होते हैं वो चार चार बार होते हैं, बहुत मैंने तो क्या देखा है कि लोग कोर्स करते ही नहीं हैं, उनको बस ये कि जॉब मिल जाए मेरे को बस, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, जॉब मिल गई बस, हम यही जॉब करते रहेंगे बस, और भाई सीखते कुछ नहीं है। तो आपको सीखना भी है, और यहां तक वीडियो देखिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।